अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ, तो आज हम बनाएंगे आलू और मटर पुलाव। सबसे पहले हमने ऑयल लिया कढ़ाई में, ठीक है, उसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक प्याज, बड़ा बारीक कटा हुआ, उसको डालेंगे इसके अंदर, सही है। और इसको हम अच्छे से पहले ब्राउन करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन ना हो तब तक हम देखेंगे इसको जो है हमने ये हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे। अगर मीडियम भी रखना चाहे फ्लेम तो कर सकते हो। जैसे ये प्याज ब्राउन होगा, नेक्स्ट हम इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको कलर देंगे, ताकि फिर अच्छा सा, जितना प्याज हमारा ब्राउन होगा उतना जो है वो हमारा राइस का जो कलर है वो डार्क आएगा। तो जिस तरह के आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका जो है वो राइस के अकॉर्डिंगली, मतलब प्याज को ब्राउन करें जैसा आप कलर पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप में जो है वो मैंने लिया अदरक, दो टमाटर लिए, लहसुन लिया और अदरक का पेस्ट लिया। उसके बाद जो है वो टमाटर लिए दो, और हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो ग्रीन चिली ली। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे तरीके से। ग्राइंड करने के बाद जो है, जैसे ही हमारा जो प्याज है वो ब्राउन होगा, अभी हुआ नहीं है, जैसे ही होगा प्याज ब्राउन तो हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। इसमें से थोड़ा सा पानी ऐड किया है, सही है, क्योंकि हम जो हमारा कलर था वो ब्राउन हो चुका था। अब इसके अंदर जो है वो हम ये जो पेस्ट रेडी किया है वो ऐड करेंगे। अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। फिर उसके बाद जो है वो हम आलू बारीक कटे हुए और मटर जो है हमारे पास वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें ये डालो हमारे पास आलू और मटर, ये जाएंगे अंदर। प्याज ब्राउन ज़्यादा हो गया इसकी आप मतलब कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वो डार्क कलर हमें पसंद है तो हम ज़्यादा ब्राउन करते हैं। अगर आप चाहें तो लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं। अब इसमें हम जो है वो बाकी मसाला जार, नमक मिर्च वगैरह, गरम मसाला वगैरह वो ऐड करेंगे। ये है हमारे पास ये सारे मसाला जात है, लौंग है हमारे पास, गरम मसाला, रेड चिली फ्लेक्स है, और जो दूसरी लाल मिर्च जो होती वो है, ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है, नमक है, ये सब कुछ जो है दालचीनी है, ये हम सब कुछ इसमें ऐड करते हैं। और आपके पास अगर चाइनीज़ साल्ट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास है तो मैं वो भी ऐड करूँगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अच्छे से आलू और जो मटर हैं वो हमारे पक जाएं। अब जो है फ्लेम थोड़ा हाई कर दें। एक तरफ जो है हमने वो चावल भिगो के रख दिए थे, तब से जब हम चावल वो ब्राउन कर रहे थे ना प्याज, तब से हमने रखे हुए हैं, तो ये हो चुके हैं। और जो हमारा जो मसाला है वो भी, जो आलू और मटर का, वो भी रेडी हो चुका है, ये देखें। अब इसमें हम जो है वो पानी ऐड करेंगे, ठीक है, पानी ऐड करेंगे। हमने 2.5 गिलास लिए हैं चावल, तो हम इसमें 5 जो है वो ग्लास पानी के ऐड करेंगे। 5 गिलास जो है हमने पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हम जो है वो पकाएंगे। जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा, हम जो है वो जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, वो देखिए पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, तो इसमें हम जो है वो चावल जो है वो डालेंगे। थोड़े राइस ज़्यादा हैं और मीठा जो बर्तन है थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ओके, फिर इसको हम जो है वो हलाएंगे अच्छे तरीके से इसको, राइस को। माशाल्लाह ये देखें जो है वो चावल जो है बन रहे हैं हमारे,
जैसे ही पानी जो है वो खुश्क होगा हम इसको दम पे लगाएंगे। और जो मैंने नमक है इसमें और ऐड किया है क्योंकि नमक जो है वो कम हो जाता है अक्सर, तो आप भी हंसबे ज़रूरत जितना आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें और नमक ऐड किया, माशाल्लाह से ये देखें अब हो चुके हैं। तो अब हम इसको जो है वो दम पे लगाएंगे, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। तो अब इसको हम दम पे लगाएंगे। माशाल्लाह से चावल जो है रेडी हो चुके हैं, साथ में जो है ये हमने सैलेड कटा है, इसके साथ हम जब भी खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। और साथ में ग्रीन चटनी है, इसके साथ जो है ये दही की चटनी भी आप बनाएं और ये साथ सर्व करें अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो है मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।